हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन अरोरा फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे हियर। ये एक सभी के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है जो जेईई 2021, 2022 एंड 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो एवरीवन, सबसे पहले प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो, बिकॉज़ YouTube की हिस्ट्री में आज तक आपको कभी भी ऐसी वीडियो नहीं मिली होगी जब पे लिटरली मैं प्रूव करने वाला हूँ कि कैसे आपके नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई एडवांस में। एंड बाद में आई विल ऑल्सो मोटिवेट यू, बिकॉज प्लीज रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ बेटा, कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जो असली मोटिवेशन है वो अंदर से आती है, जिसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। तो तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। ये एक वीडियो है आप सभी के लिए ताकि आप सबको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हार्ड वर्क करने के लिए अगर आपने होप खो भी दी है, प्लीज रिमेंबर दैट एट द एंड ऑफ द डे आप ही खुद के लिए हो, बाकी आपके साथ कोई नहीं रहेगा। आपको खुद मेहनत करनी है जिंदगी में अगर आगे पहुंचना है। लेट मी स्टार्ट विद द वीडियो। तो वहां पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से तीन क्वेश्चंस आए थे। सिंस मैं ड्रॉपर्स बैच में एरोमेटिक पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं एरोमेटिक वाले का एग्जांपल लेना चाह रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। व्हाट इफ आई टेल यू दैट ऑल द क्वेश्चंस वर एग्जैक्टली फ्रॉम द नोट्स, ऐसा मैंने कोई चेंज है डायरेक्टली उठाए हुए। अब देखो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्लाइड, द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग माई नोट्स ऑन प्लस। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको एग्जैक्ट डेट के साथ बताऊंगा कब मैंने वो चीज पढ़ाई थी। दिस इज जस्ट अ मोटिवेशन फॉर ऑल द पीपल कि अगर आप नोट्स भी पढ़ लो तो भी आपकी खतरनाक रैंक आ सकती है। इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। जेईई एडवांस 2020 को वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जाता है। अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान के लेके चलता हूँ फ्रॉम द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, नाउ फोकस ऑन दिस स्लाइड। ये स्लाइड कौन से दिन की है मैं बता रहा हूँ। ये क्लास एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया गया है। कौन सी क्लास का है ये? क्लास 12th बैच का। डेट में बता दूं आपको, अगस्त 7 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देख सकते हो जो डिस्कशन किया जा रहा है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। मैं तो बोल भी नहीं रहा हूँ आप लोगों को एमएस जॉन सॉल्व करो, क्लेडन सॉल्व करो, मार्क्स सॉल्व करो, हम तो उस लेवल पे सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर ओलंपियाड क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं क्लास में यार, केमिस्ट्री वाले, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आते, अगर मैं इधर आता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है जेईई एडवांस का फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, बट आप लोग समझ सकते हो दैट OCS3 इज अ लिविंग ग्रुप। सिमिलरली अब आइए बेटा, अमीन्स चैप्टर का लेक्चर कौन सा है? ये अगस्त 8th का लेक्चर है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे अमीन्स पार्ट 4 के नाम से मिलेगा आपको मेरी प्रोफाइल के ऊपर। ध्यान से देखिए, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन विद द एग्जैक्ट सेम आंसर। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा गया था आपसे एग्जामिनेशन में, तो क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो कि निकाल सकते हो 18 आती है, वही सेम चीज यहां पे भी बेटा 18 बन के आता है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बिल्कुल नोट से उठाया हुआ, आप देख सकते हो, मैं जूमिंग करके दिखाऊं, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बिल्कुल नोट से आया है, समझ आ रहा है? ये तो सिर्फ मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट सेम डिट्टो क्वेश्चन नोट से आया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन नंबर 3 जेईई एडवांस 2020 जो सितंबर में हेल्ड किया गया था। एक एनिलीन है, उसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं NaNO2HCl। देखो ध्यान से, एनिलीन है NaNO2HCl 0-5 डिग्री सेल्सियस, बीटा नैप्थॉल दिया गया है। ये प्रोडक्ट बन के आता है, देखो ध्यान से, यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द चैप्टर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, देख सकते हो आराम से ये क्वेश्चन आया है। एंड देखो, ये आपके पास स्क्रीनशॉट है, अमीन्स पार्ट 9 कौन से दिन होल्ड किया, मैंने लेक्चर बोल बता देता हूँ आपको, पार्ट 9 अगस्त 16 को होल्ड किया गया था, समझ आ रहा है बेटा? तो एक चैप्टर, सिर्फ मैं एक चैप्टर का एग्जांपल लेकर आऊं, बिकॉज ड्रॉपर बैच में एग्जैक्टली सेम चैप्टर चल रहा है, इसलिए स्लाइड्स बनाना ज्यादा आसान हो जाता है। एग्जैक्ट नोट से क्वेश्चन आए, तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जैक्ट नोट में से, बिल्कुल अगर आप रट के भी जाते नोट्स, कुछ समझ नहीं आता आपको, बस नोट्स याद करना भी आता तो भी आपका काम हो जाता। देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, ये पार्ट 4 से एक क्वेश्चन आया था, एक DCS से आया है, और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, देखो इससे क्वेश्चन आया था अगस्त 7 से, और जो अगला क्वेश्चन था वो अगस्त 8 से आया था। देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन आया था अगस्त 7 वाले बैच से क्लास से, और ये आया था अगस्त 8th वाली क्लास से। मतलब जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, अगर वो यहां से छाप भी रहा है तो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है वो बंदा, बिकॉज वो एग्जैक्टली सेम चीजें छाप रहा है, बस अगल बगल के लेक्चर से। और जो ये तीसरा क्वेश्चन था, दैट वाज फ्रॉम अगस्त 16 से। अगस्त 16 का है बेटा, ये अगस्त 16 है, तो यहां से तीसरा क्वेश्चन था, समझ आ रहा है? तो 3 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन
इन द चैप्टर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वर डायरेक्टली फ्रॉम माई नोट्स। देखो बेटा यहाँ पर मैं इनको क्या रिकमेंड कर रहा था, देखो स्क्रीनशॉट देखो उस बैच का, मैं रिकमेंड कर रहा था क्लेटन से अपन डिस्कस करेंगे, पीटर सेक्स से डिस्कस करेंगे, जेरी मार्स से डिस्कस करेंगे, लेवल ही नहीं है बेटा जेई एडवांस का इतना। सबसे खतरनाक जो जेई एडवांस माना जाता है वो 2020 जो लेटेस्ट में है, 2020 वाला सबसे खतरनाक वाला माना जाता है। डायरेक्टली नोट्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दैट इज माय पॉइंट हियर। ये वाला बैच है अमीन्स वाला, ये वाला बैच ठीक है, अमीन्स फॉर क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स। समझ आ रहा है बेटा? तो अगर आप सिर्फ नोट्स भी अच्छी तरह कर लो, मैं तो बोल ही ना रहा हूं बेटा एमएस चौहान करो, क्या बोलते क्लेडन करो, जेरी मार्ट करो, मैं प्रीवियस ईयर INCHO क्वेश्चन करवा रहा हूं आपके बैच में, ICHO क्वेश्चन करा, उसमें लेवल ही नहीं एग्जाम का। एग्जाम का लेवल देखो, डायरेक्टली नोट्स में से छपे छपाए क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, ऐसा मैंने कि थोड़ा सा चेंज कर दे क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम आंसर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन छाप के आ रहा है आप सभी के एग्जाम में। आपके पास बहुत टाइम है जेई क्लियर करने का, आपको लगता कम टाइम है, नहीं, ड्रॉपर्स वाले बच्चे क्लियर करते हैं जेई आप सभी के सामने 6-7 महीने में, आपके पास तो फिर भी एक साल पड़ा है, टू बी मोर एग्जैक्ट 1.5 पड़ा है फॉर जेई एडवांस। मैं तो मेंस का एग्जाम मानता भी नहीं हूँ, असली एग्जाम एडवांस ही है, मेंस का तो कुछ लेवल ही नहीं है ठीक है, इसलिए मैं एडवांस वाले क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, मेंस का तो कुछ है ही नहीं, बकवास है वो ठीक है, समझ आ गया। तो यही अच्छे टीचर से पढ़ने का फायदा होता है, जैसे जब मैं YouTube पे पढ़ाता था ठीक है, जैसे बीच बीच में लेक्चर डालता था, मैंने पहले डाल के भी रखे बहुत सारे, तब मुझे एक चीज का अभाव फील हुआ दैट यहाँ पे अपन एडवांस लेवल पे कभी जा ही नहीं सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे हो, ये डिफरेंस है बेटा फ्री और पेड में। आपको लग रहा है फ्री में पढ़ रहे हो, नहीं बेटा घंटा पढ़ रहे हो आप समझो लॉजिक, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ आ रहा है? आपको लग रहा है फ्री में पढ़ रहे हो, नहीं, आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। Even if you're not investing your money, you're investing your time, which is the most important thing in a JEE aspirant schedule. ठीक है? Please understand that JEE Advanced देश का सबसे one of the most prestigious examination है, जहाँ से आपको IITs मिलती हैं, and उसमें आपको note से question मिल जाए, समझ आ रहा है? Note से question मिल जाए, तो समझो कितना अच्छा boost आपको उस time पे मिलेगा। Like रटा रटाया question, 18 answer है, मेरे notes में भी 18 answer, हाँ मुझे याद आ गया, हाँ 18 आना चाहिए था। देखो कितना कितना जल्दी यू कैन अंडरस्टैंड दैट, आपको कितना बूस्ट मिलेगा आपके वो तो कॉन्फिडेंस तो मिलेगा साथ में टाइम कितना सेव होगा। सिर्फ एक चैप्टर की बात हो रही है, और जैसे सिर्फ 12th में जाएंगे मैं हर चैप्टर की मैचिंग करके दिखाऊंगा आपको, देखो बेटा इस डेट को ये क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने 27th 28th, हाँ ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये सब करो बेटा, मेहनत करो जिंदगी में, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में अगर आप इतनी मेहनत भी करो जितनी आप ऑर्गेनिक में कर रहे हो, सोचो कितनी अच्छी रैंक आ सकती है आप लोगों की। सो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनको दिखाओ बेटा कि इवन इतने खतरनाक एग्जाम में कैसे नोट्स राइट क्वेश्चन आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।